महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला हुआ है। अरविंद सावंत हमारे साथ हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। सावंत जी, जो अदालत का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से निर्णय दिया उसका स्वागत करता हूँ। यही तो हमारी प्रेरणा, वही हमारी मांग थी। उस मांग को 100% मैंने माना। नोटिस लेकर भी चुनाव करो, उसके पक्ष को घोषित करो, उसके बाद शपथ ग्रहण करो और मोहम्मद सिद्ध करो, वो भी सीक्रेट बैलेट से नहीं, आवाज से नहीं, काउंटिंग करके करो। ये सारी चीजें जो हुई वो हमारे लिए बहुत स्वागतार है और आपको विश्वास दिलाता हूँ कल पता चलेगा। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों मिलकर, अब हमारे जो अन्य पार्टियां है अभी समर्थन देने के लिए बहुत सारी पार्टियां आई हैं, सबको मिलकर 162 को कल का, मुझे तो लगता है कल इससे भी ज्यादा आंकड़ा पड़ेगा, इससे ज्यादा आंकड़ा होगा। आश्वस्त है आप नंबर को लेकर और कोई भी व्यवधान नहीं होगा? 100% आश्वस्त है, कल बड़े बाजार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। लोग जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानते हैं किसके साथ बहुमत है। और अंधेरी रात में संविधान दिन मना रहे हो, अंधेरी रात में अनुशासन निकाल देते हो राष्ट्रपति का, अंधेरी रात में सुबह सुबह किसी को भी चीफ जस्टिस भी वहां नहीं मौजूद नहीं थे, वहां शपथ ग्रहण करते हो, किसी जानवर आपको बुलाया था क्या? किसी को नहीं था, क्यों? चोरी छुप के थे, तो मतलब पता था ना कि हमारे पास बहुमत नहीं सिद्ध है, तो कुछ उल्टा सीधा करके देखने के लिए प्रयास किया। उस प्रयास को अभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसी बात है। और शिवसेना इस फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही थी, इस मायने से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। और जिस तरीके से शिवसेना लगातार हमला कर रही थी, फ्लोर टेस्ट को लेकर मांग कर रही थी, गठबंधन एकजुट है ये दावा कर रही थी, इसमें अपनी जीत का दावा करते हुए शिवसेना नेता अरविंद सावंत जो केंद्र में मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बड़ी बात कह रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, कोटा न्यूज़।